गजेंद्र की कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। देखिए ये केवल कहानियां नहीं है, नहीं तो ऐसी कहानियां हम लोग, एक मैगजीन चलती थी लॉट पॉट, अभी भी चलती होगी, कार्टून उसमें छपे रहते थे, तो कभी हाथियों की कभी मछलियों की ऐसी कहानियां उसमें छपी रहती थी। सो आई ऑलवेज से दीज आर नॉट ओनली स्टोरी, दीज आर साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। केवल ये कहानियां नहीं है, हमारे दिव्य जीवन को प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़े संदर्भ है। गजेंद्र मानी देहाध्यास, हम लोग इस शरीर में हाथी जैसे स्थूल काया में पड़े हुए, और ये जो सरोवर है ना जिसमें वो मग्न था, ये संसार सागर है और विषय रूपी पानी इसमें भरा हुआ है। आशीद गिरिवर हो राजस त्रिकूटी विश्रता क्षीरो देना व्रता श्रीमान योजना युत मुच्छता। तो एक गिरिराज त्रिकूट पर मदमस्त हाथी गजेंद्र निवास करते थे। एक बार वो प्यास के कारण समस्त पत्नी पुत्र पौत्रादिकों के साथ शरोनिलम पंकज रेणुरोषितम जिग्गन विदुरान मद व्यूहरेक्षण, ऐसा सरोवर जिसमें सुंदर सुवासित कमल रखे हुए थे, सुंदर सुगंध आ रही थी, और वो प्यास के कारण व्याकुल होकर के अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उसमें प्रविष्ट हुए। हम और आप भी दिन रात इस संसार सागर में विषय रस में डूबे हुए हैं, लेकिन विषय रसों की अनुभूति करते हुए विषय रसों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि ये ध्यान नहीं देते कि धीरे धीरे ग्राह्य के रूप में हमारी मौत हमारे पास सरकती हुई चली आ रही है। इस संसार कहा जाता है जगत को, संसार संस्कृत के अनुसार वो है जो संसरति सह संसारः, जो पल प्रतिपल सरक रहा है, इसी का नाम संसार है। मदमस्त हाथी गजेंद्र अपनी पत्नियों और पौत्रादिकों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था, और उसके अंदर में ही खिसकता हुआ सरकता हुआ एक मगर आया ग्राह है, और उसने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अपने घर में जो रहता है ना वो ताकतवर होता है, यद्यपि बताया गया है कि गजराज गजेंद्र के पास में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन वो ग्राह से अपने आप को बचा नहीं पाए। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन हम अपने आप को मौत से बचा नहीं सकते। इसलिए न यद भावी न तद भावी, और भावी चेत तदन्य था, न ऐसा होगा न वैसा होगा, ऊपर वाले को जैसा मंजूर है वैसा ही होगा। हम लाख प्रयत्न करें, गजराज हाथी ने बड़ी जोर से चिघाड़ लगाई, तो उस जंगल में जितने भी उसके मित्र थे फ्रेंड थे वो सब दौड़े चले आए, सरोवर को चारों तरफ से हाथियों ने घेर लिया। किसी ने उसके पांव को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा, और पूरी ताकत लगा दी ग्राह से बचाने के लिए। चाहे जितने बड़े बड़े डॉक्टर लग जाएं, चाहे जितने बड़े बड़े मित्र आ जाएं, कितना भी दौलत आपके पास में हो, जब अंतिम समय आ जाएगा ना तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता। यही बात हुई, उसके जो मित्र हाथी लोग थे वो छोड़ करके उसको चले गए। केवल पत्नियां उसके पास रही, पत्नी बेचारी कहां जाती, और उन पत्नियों ने उनको पकड़ा, गजेंद्र को सोचा कि मैं बचा लूं, तो गजराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि नामामि मे ज्ञा तह आतुरम गजा कुताहा कर लब प्रभवंति मोचितुम नामामि मे ज्ञा तो
रंग जा उताहा कर प्रभावंति ग्रहेण पाशेण विधातुराव्रतो पहं ततम यामि परम परायणम ग्राहेण पाशेण विधातुराव्रतो पहं ततम यामि परम परायणम नमामि मे। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, जब दस दस हजार हाथियों की ताकत रखने वाले ये गजेंद्र ये हाथी मुझे नहीं बचा पाए तो कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितम्, तो भला ये हथनियां मुझे क्या बचा पाए। और कहते हैं मैं अब इस बात को समझ गया कि ग्राहेण पाशेण विधातु राव्रतो, इस ग्राह के पास से मगर ने नहीं जकड़ा है, विधातु परमात्मा ने ही मुझे, यहां विधाता का अर्थ केवल ब्रह्म ही नहीं है, भगवान है सीधा, विधातु राव्रतो परमात्मा ने ही। और ये मनुष्य को जितने जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा कि ईश्वर की इच्छा से ही धरती में कुछ होता है। इसलिए उन्होंने कहा ग्राहेण पाशेण विधातु राव्रतो पेहम च तमयामि परम परायणम, तो जिस विधाता के कारण मैं इस ग्राह के बंधन में फंसा हूं क्यों ना मैं उसी ईश्वर को पुकारूं जो सारी दुनिया की रक्षा करता है। और उसके बाद में गजेंद्र ने जो स्तुति की है उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। हमारे वाराणसी के पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज, जिन्होंने वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो अपने पास में छपी हुई पुस्तकें रखते थे, गीता प्रेस में जाओगे मिल जाएंगे, श्रीमद् भागवत में खोलो खोजोगे तो आठवें स्कंद का तीसरा अध्याय है। ये स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है, बड़े बड़े महात्मा लोग इस स्तुति का निरंतर पाठ करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास में कोई भी दुखहारा दुखी आए, कोई भी आपत्ति बताए, वो उसे गजेंद्र मोक्ष पकड़ा देते थे, कहते थे तुम इसका पाठ करो, इसको पाठ करने से तुम सारी आपत्तियों से छुटकारा पा जाओ, जैसे हाथी ग्राह से छुटकारा पाए। तो आइए ज्यादा श्लोक तो नहीं, एक आध दो श्लोक अपन बोल लेते। एवं विवस्तो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जनमन्यनु शिक्षितम्। बहुत सुंदर, एवं विवस्तो बुद्ध्या, सबसे पहले तो जो हमारी सांसारिक विषय वासनों में बुद्धि उलझी हुई है इसको हम परमात्मा में व्यवस्थित कर लें, व्यवस्थित कर लें। जब तक संसार में तुम्हारा मन उलझा रहेगा तब तक आप परमात्मा को दत्तचित्त होकर के मना नहीं पाओगे। बड़ी सुंदर, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेषाया विधिमहि यस्मिन् नदम यतत् चेदम येनेदम जायदम स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं। बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना सुनने के बाद मेरे गोविंद ने कहा क्या चाहते हो, जीना चाहते हो? कहा इस स्थूल हाथी के शरीर में मेरी कोई भी आसक्ति नहीं, मैं जीने के लिए जीवन के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतना चाहता हूं मेरे गोविंद, केवल इतनी कृपा आप मेरे ऊपर कर दो कि इच्छामि कालेन नायस्य विप्लवस् तस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम्। जिस आत्मा का विनाश प्रलय में भी नहीं होता, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, सनातन है परमात्मा की तरह सनातन है जीवात्मा। तो वो जो हमारी आत्मा सनातन है, देही नित्य अवध्य हम देह सर्वस्व भरता, देही नित्य अवध्य है, देह मानी देह में रहने वाली आत्मा, उस आत्मा के ऊपर
जो अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, जो संसार की आसक्ति उसमें लिपट गई है, मैं ये चाहता हूं प्रभु आप मेरी आत्मा को खालिस कर दो, निर्मल कर दो, इसके ऊपर से अज्ञान का और माया का पर्दा हट जाए, बस यही प्रार्थना। बहुत सुंदर प्रार्थना की। तम बीच पीड़ित मजा सहसावतीर्य सग्राहिमा सुसरसा कृपयो जहार गाहार विपाटति मुखा दरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम। अनंत करुणाशील परमात्मा गरुण छोड़ नंगे ही पांव पधारे, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वार। कितना करुणा सागर, कितना कृपालु है भगवान। अंतिम समय में उसने जब डूबने की स्थिति आ गई, तब उसने कमल निकाल करके ठाकुर जी को पुकारा और भगवान उसका उद्धार कर दिया। तो यही नाम मुखो में हो हरिदम हमारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरिदम हमारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे हरे कृष्ण को मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। ली दत्तने खंजर कहां पुत्र से है कहां तेरा ईश्वर कहां पुत्र से है कहां तेरा ईश्वर। ये भगवान का नियम रहा है कि उनके भक्तों ने जब जब जिन जिन परिस्थितियों में पुकारा है भगवान दौड़े चले आए। प्रहलाद की बारी में आप कल सुन रहे थे, ली दैत्य ने हाथ में जव की खंजर कहां पुत्र से कहां तेरा कहां पुत्र से कहां तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने आग भर कर तो प्रहलाद ने याद की आग भर कर दिखाई पड़ा मुझको खंभे के अंदर दिखाई पड़ा मुझको खंभे के अंदर नरसिंह के रूप में राम प्यारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सरोवर में थी गज
ग्राही की लड़ाई सरोवर में थी ग्राही की लड़ाई न गजराज के शक्ति कुछ काम आई नगर राज की शक्ति कुछ काम आई दुखी हो के आवाज हरि को लगाई दुखी हो के आवाज हरि को लगाई करुण छोड़ नंगे जी पाँव पधारे हरि छोड़ को हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे ये नाम मुख में हो हरदम हमारे यही नाम मुख में हो हरदम हमारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे भक्त की आवाज सुनकर के दौड़े चले आते हैं।